सुप्रभात बच्चों, इस विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। तो आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, ताजमहल की आत्मकहानी। ताजमहल की आत्मकहानी, लेखक गुलाब राय। ये कहानी के कहानीकार है गुलाब राय। तो देखो, उसका जो ताजमहल है ये कहाँ पे बसा हुए तुम जानते हो? ताजमहल ये आगरा के पास, आगरा में यमुना नदी के पास ये बसा हुआ है। और ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज की अंतिम इच्छा थी कि उनके लिए शाहजहां एक बेजोड़ कब्र बनाए। ये बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज की अंतिम इच्छा थी। शाहजहां की बेगम मुमताज अर्थात सम्राट शाहजहांकर रानी मुमताजंकर गोटे अंतिम इच्छा थिला जे तांको पाई शाहजहां एक अतुलनीय समाधि तैयारी करंतु। शाहजहां ने अपने अमर प्रेम की खातिर आगरा में यमुना के किनारे पर श्वेत संगमरमर का ताजमहल बनाया। तले शाहजहां निजर अमर प्रेम को सम्मान दे आगरा रे यमुना नदी कूल श्वेत शंख मलमल गोटे ताजमहल तैयारी कले। तो इसमें करोड़ों रुपये खर्च हुए, एथिरे कोटि कोटि टंका खर्च होई, हजारों कारीगरों के वर्षों के श्रम से यह बना। तो हजार हजार श्रमिक मानकर वर्ष वर्ष धरी परिश्रम फल निर्माण होई। तो शाहजहां से इसे शाहजहां तो अपने बेगम मुमताज को याद करने के लिए तो ये बनाया है। तो उसको जवाहरातों से इसे सजाया गया, जवाहर रातों अर्थात तो अनेक रत्न रे एगुड़ी को सजा जाए। यह अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया के सप्ताश्चर्यों में गिना जाता है। सप्ताश्चर्य अर्थात तो पृथ्वीर जो सप्ताश्चर्य अच्छी से सप्ताश्चर्य भितरे यहाँ गणना करा जाए। तो देखो ताजमहल क्या कह रही है। अपने विधाता को मैं अपने अंक में लिए बैठा हूँ, जिसने मुझे खड़ा किया वही मेरी गोद में सो रहा है, जिसके लिए मैं खड़ा किया गया वह तो मेरी गोद में सो रही है। उनके इस अप्रतिम स्नेह को पाकर मैं गर्व से फुला नहीं समाता। शताब्दियाँ बीत गईं पर उनके स्नेह का वैभव आज भी मुझ में सुरक्षित है। इस वैभव को संसार जाने कब से विस्म विमुक्त होकर देख रहा है। दुनिया के महान आश्चर्यों में मेरी गणना की जाती है। तो उसका भावार्थ को समझेंगे। अपने विधाता को मैं अपने अंक में लिए बैठा हूँ। तो ताजमहल ये कह रही है मोर जे निर्माता तंकु मो कोड़े नहीं अंक में लिए बैठा हूँ। जिसने मुझे खड़ा किया वही मेरी गोद में सो रहा है अर्थात मोते जी निर्माण करी चंती, मोते जी छिड़ा करी चंती, से मध्यम वो कोलरे सोई चंती। जिसके लिए मैं खड़ा किया गया वह तो मेरी गोद में सो रही है। जहाँ पाई मोते निर्माण करा जाए
जिसके लिए मैं खड़ा किया गया, जहाँ पाई मत निर्माण करा जाइए छी, वह तो मेरी गोद में सो रही है, से मध्य मो गोड़े सोई चंती। उनके इस अप्रतिम स्नेह को पाकर, तांकर यही अनुपम स्नेह को पाइकरी, अप्रतिम स्नेह का मतलब अनुपम स्नेह को पाइकरी, मैं गर्व से फुला नहीं समता, मु गर्वरे बहुत खुशी होची। गर्व से फुला नहीं समता का अर्थ है अत्यधिक आनंद होना, खुश होना। शताब्दियाँ बीत गईं पर उनके स्नेह का वैभव आज भी मुझ में सुरक्षित है, अर्थात हजार हजार वर्ष अतिवाहित हो जाइछि, सह सह वर्ष अतिवाहित हो जाइछि, किंतु तांकर स्नेहर संपत्ति आज मध्य मो भितरे सुरक्षित होकरी रहिछि। इस वैभव को संसार जाने कब से विस्मय विमुक्त होकर देख रहा है, तले ए संपद गुड़ी को देश केबेठारु विस्मय विमुक्त होकर देखुअछि। दुनिया के महान आश्चर्यों में मेरी गणना की जाती है, तो ताजमहल कह रही है दुनिया में जो महान आश्चर्य है, तो जो सप्ताश्चर्य है उसमें मेरी गणना की जाए, अर्थात ताजमहल को ये सप्ताश्चर्य में गणना की जाती है। ताजमहल सम्राट शाहजहां और साम्राज्ञी मुमताज की मैं प्रेम समाधि हूँ। तो देखो सम्राट, सम्राट का अर्थ क्या जानते हो? सम्राट राजा, और साम्राज्ञी रानी। तो देखो सम्राट का लिंग परिवर्तन कर, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राज्ञी, सम्राट सम्राज्ञी, ऐसे हम जानेंगे। तो सम्राट शाहजहां, तो ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां, शाहजहां ने, सम्राट शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। तो सम्राट शाहजहां और सम्राज्ञी मुमताज की मैं प्रेम समाधि हूँ, प्रेम की पवित्रता और तल्लीनता का मैं स्मारक हूँ। प्रेमर पवित्रता ओ तल्लीनता का अर्थ है निमग्नता, तो निमग्नता का मैं स्मारक हूँ, मैं स्मृति हूँ। प्रेमर पवित्रता एवं निमग्नतार मु होची स्मृति। वेद भाव में पड़े मनुष्य को मैं यह संकेत कर रहा हूँ कि प्रेम ऐश्वर्य सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति है, तो ताजमहल ये भी संकेत कर रहा है कि वेद भाव में पड़े मनुष्य, जो मनुष्य वेद भाव में पड़े हैं, तो उनको ये संकेत कर रहा है कि प्रेम ईश्वरीय सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति है। ईश्वरीय सृष्टि में, इसी सृष्टि में ये बड़ा विभूति है प्रेम, तो सबको प्रेम करो, जगत को प्रेममय देखो, भगवान को प्रेम करो। तो सबको जब हम प्रेम करेंगे, सबको श्रद्धा करेंगे, सबको सम्मान प्रदान करेंगे, तो सबके साथ अच्छी वर्ताव करेंगे, तो सारा संसार शांति में रहेगा और सर्वत्र शांति विराजमान करेगा। तो देखो दो बिछुड़े हृदय मेरी गोद में जुड़े हुए हैं, दो बिछुड़े हृदय, दुईटी अलग अलग हृदय मेरी गोद में जुड़े हुए हैं। गोद क्या जानते हैं बच्चों? गोद कोल, मेरी गोद में जुड़े हुए हैं, तो मिशी चंती बा जड़ित है चंती। जड़ित हेगा, तो दो बिछड़े हुए हृदय मेरी गोद में जुड़े हुए हैं। अत्याचारियों ने समय समय पर आक्रमण किया, मुझे भी लूटा गया,
तो ताजमहल को बादशाह शाहजहां ने तो जवाहर रत्नों से सजाया था, इतना सोना और हीरे मोती वाणिज्य और रत्न पत्थर को लेकर उसको सजाया था। तो जो अत्याचारी है उनका लोलुप दृष्टि तो ताजमहल पर पड़ा, तो अत्याचारियों ने समय समय पर ताजमहल पर आक्रमण किया, ये जवाहर रत्नों को और ये वैभव को लुंठन करने के लिए। तो विभिन्न समय अत्याचारी माने ताजमहल ऊपर आक्रमण करी से सब संपत्ति गुड़िक संपद गुड़िक लुंठन करी। मेरे आभूषणों रत्नों और जवाहरातों को लोग ले गए। तो मेरे आभूषण, आभूषण का अर्थ क्या जानते हैं? आभूषण आभूषण हमारे माँ बहन जो आभूषण धारण करते हैं, गहना। मेरे आभूषण रत्नों और जवाहरातों, 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 इसका अर्थ रत्न समूह। रत्न समूह तो ताजमहल कह रहा है मेरे आभूषण रत्न और जवाहरातों को लोग ले गए। मोर आभूषण मान को, मोर रत्न मान को, मोर समस्त अलंकार गुड़ी को लोक माने नहीं गले। मेरे शरीर को उन्होंने नग्न कर दिया, मेरे शरीर को उन्होंने नग्न कर दिया। नग्न क्या जानते हो? जो कपड़ा कुछ नहीं पहनते उसको नग्न कहते हैं। अर्थात जब उस ताजमहल से ये आततायियों ने हर प्रकार के रत्नों को और आभूषण को ले गए तो ताजमहल नग्न हो गया। तेणु से कहती मते से नग्न करदेले बा लंगड़ा करदेले, पर मेरे अंदर जो वैभव छिपा पड़ा है, पर मेरे अंदर जो वैभव छिपा पड़ा है, किंतु मो भीतरे जो संपत्ति लुचिकरी पड़ी रही थी, जो दो हृदय जुड़े पड़े हैं, जो दुईटी हृदय जड़ित होकर उन्हें लूटने का साहस नृशंस अत्याचारी को भी नहीं हो सका। उन्हें लूटने का साहस नृशंस अत्याचारी को भी नहीं हो सका। तेणु मत लुंठन करार साहस नृशंस अत्याचारी मैंने करना लुंठन करने। प्रेम की लौ के सामने उनकी आंखें खुली नहीं रह सकी। प्रेम की लौ के सामने, लौ के, लौ का अर्थ है, लौ क्या जानते हो बच्चों? लौ अग्निशिखा। तो प्रेम की लौ के सामने उनकी आंखें खुली नहीं रह सकी। तांको आखी खोला हो रही पारा ना, अर्थात से माने खेती करने साहस करे ना। मैं भौतिक ऐश्वर्य का स्मारक नहीं, प्रेम का स्मारक हूँ। तो ताजमहल ये कह रहा है मैं भौतिक ऐश्वर्य का स्मारक नहीं, मु सांसारिक ऐश्वर्य स्मारक नुहे, मुझे प्रेम स्मारक। मेरी नींद में उस वियोगी सम्राट के दो बूंद आंसू चू पड़े थे। मेरी नींद में, नींद क्या जानते हो? फाउंडेशन बा मूलद्वार। मो मूल रे बा मो मूल रे उस वियोगी, वियोगी का अर्थ क्या जानते हो बच्चों? जो हराता है, वियोग, दुखी सम्राट के दो बूंद आंसू चू पड़े है। तो सही दुखी सम्राटंकर दी बुंदा अश्रु ये
झरी पड़ी थी। कहते हैं आकाश का हृदय भी उन आंसुओं से, आंसुओं की स्मृति में द्रवीभूत हो उठता है। कहा जाए आकाश और हृदय मध्य से ही अश्रु कणारे पे अश्रु कणा की स्मृति रे तरली उठी। और दो बुंद आंसुओं से वह मेरे हृदय को सिंचने का प्रतिवर्ष प्रयास करता है, एवं सही दी बुंदा अश्रु रे मो हृदय प्रतिवर्ष सिंचवा को चेष्टा कर। प्रयास का अर्थ बच्चों चेष्टा, प्रयास। प्रयास करना, चेष्टा। पर मेरे हृदय तक उसके सभी आंसू पहुंच जाते हैं, तेणु मो हृदय पर्यंत समस्त अश्रु गुड़िक पहुंच जाए। कल्पना जगत के विश्वासों पर मैं विश्वास नहीं करता, अर्थात कल्पना जगत और अविश्वास उपरे मो विश्वास करे नहीं। उसके आंसुओं से तो मेरा कलेवर भी निखर उठता है, एवं तांकर अश्रुमान द्वारा हाँ मोर शरीर उज्जवल हो उठे और उद्भासित तो हो उठे। तो बच्चों आज ये विषय तुमको कैसे लगा है, तो मैं आशा करता हूँ ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बादशाह जो शाहजहाँ हैं और उनकी सम्राज्ञी है मुमताज है, तो उनकी स्मृति के लिए ये ताजमहल को बनाया है, जिसको अनेक रत्नों से आभूषण से सजित किया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।